अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ट्रांसगार्ड से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है, आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो। एक टॉपिक है जी एयरपोर्ट ऑर्डर के बारे में, डिटेल बताएं जी एयरपोर्ट ऑर्डर के बारे में। मैंने काफ़ी डिटेल पहले ही बताई है, लेकिन बार बार कॉमेंट्स आने की वजह से मैं फिर ये वीडियो बना रहा हूँ, डिटेल वीडियो है, तो इस वीडियो को अपने एंड तक देखना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, एयरपोर्ट ऑर्डर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि जब पाकिस्तान में कोई होता है ना बंदा, तो उसके जहन में होता है यार मेरे इंटरव्यू क्या लिया जाएगा। तो इंटरव्यू, सैलरी वगैरह पूरा सब कुछ ए टू जेड डिटेल में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं जी इंटरव्यू से। पाकिस्तान में तो मुझे इस चीज़ की कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि आपसे क्या इंटरव्यू लिया जाता है, या आपके मतलब क्या उसमें पूछा जाता है एयरपोर्ट के हिसाब से, या कुछ आपसे इंग्लिश एबिलिटी टेस्ट लिया जाता है, इतनी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर आने के टाइम आपको एयरपोर्ट लोडर में ना ऐसा होता है कि जब इंटरव्यू टेस्ट के बाद जब यहाँ पे आती है तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि यार आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोडर हो, आपके साथ जो बंदे काम करेंगे वो ज़्यादा पाकिस्तानी हैं और इंडियन हैं, ठीक है। तो लोडिंग में क्या होता है, आपको थोड़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं, कुछ क्लासेस दी जाती हैं कि जब आप एयरपोर्ट में इंटर होगे तो आपने कैसा बिहेव करना है, किस एरिया में आपने रहना है, किस एरिया में आपने नहीं जाना, ठीक है। तो आपको इस चीज़ की क्लास दी जाती है, ठीक है, और फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है और उसमें थोड़ा ना टाइम लगता है, ठीक हो गया। अच्छा, पाकिस्तान में जो आपको सैलरी बताई जाती है, यानी 625 हज़ार हम आपको बेसिक बताते हैं, फिर आपको अलाउंस बता के कोई 850-900 बता देते हैं, ठीक है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जी 9 घंटे का, सही है। 9 घंटे में क्या होता है, 1 घंटा ब्रेक होती है और 8 घंटा आपकी ड्यूटी होती है। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। उसमें क्या होता है, जो आपके ऊपर 3 घंटे लगते हैं ना, वो आपका ओवर टाइमिंग होता है, शुमार होता है, ठीक है। तो अगर आपकी सैलरी बनती है फॉर एग्जांपल 900 बन रही है 8 घंटे की, ठीक है, तो जब आप ओवर टाइम करोगे तो आपकी 1100 बन जाएगी, 1150 बन जाएगी, ठीक है। तो सैलरी आपकी इतनी बन जाती है ओवर टाइम के साथ, सही है। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है कि यार आप लोग सोचें कि यार पता नहीं हमें ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ है जो कंपनी की, जो सबसे अच्छी चीज़ है, वो सैलरी टाइम पर देती है। आपकी जो है ना, अगर 10 तारीख को सैलरी आती है तो 10 तारीख को ही आएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक दिन भी लेट हो, लेट बिल्कुल नहीं होगी। सबसे अच्छी चीज़ यही है इस कंपनी की, सही है। और दूसरी बात यह है कि एयरपोर्ट लोडर का काम, अभी आप सोचते होंगे कैसा होगा, मैं क्या करूँगा वहाँ पे, मुश्किल होगा आसान होगा, तो एयरपोर्ट लोडर का काम ऐसा है, कभी गर्मी में होता है, कभी आपको इंडोर होता है, ठीक है, ठंडी जगह होता है, तो मिक्स चलता रहता है। ऐसा कोई कन्फर्मेशन नहीं है, या ऐसा मैं कोई आपको बोल नहीं सकता कि आपका काम है ना बिल्कुल सख्त है, या मैं आपको ऐसा भी नहीं बोल सकता कि आपका काम बिल्कुल आसान है, ठीक है। और इसमें सैलरी वगैरह डाल के ना आपकी 1100-1150 सैलरी आ जाएगी। मैंने आपको इंटरव्यू वगैरह का बता दिया, ठीक है, उसके बाद आपको क्लासेस दी जाती हैं उसका बता दिया, आपकी सैलरी कितनी होगी वो आपको बता दिया, उसके बाद ये आपका ओवर टाइम कितना होगा वो भी बता दिया, सही है। तो ये डिटेल देने का मकसद ये था कि आप लोग घर में बैठ के, आपके जहन में बहुत सारे सवालात होते हैं और मुझे लोग कमेंट्स करते हैं मेरी वीडियोज़ के ऊपर, फिर मुझे है ना इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज करते हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता यार ड्यूटी, क्योंकि मेरी काफ़ी लंबी ड्यूटी होती है तो मुझे टाइम मिलता ही नहीं आप लोगों को सही से रिप्लाई करने का। फिर काफ़ी लोग शिकायत भी करते हैं यार आप रिप्लाई नहीं करते, या बहुत लेट रिप्लाई करते हो, तो मेरी भी मजबूरी है यार, अगर मेरे पास फ्री टाइम होना तो यकीन करें मैं सबको रिप्लाई करूँ, ठीक है। तो बाकी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों की रहनुमाई हो, आप लोगों को पता लगे कि क्या सिस्टम है यहाँ पर। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो दोस्त आपके ट्रांसगार्ड में अप्लाई कर रहे हैं, जो इस काम में आने वाले हैं या आने का उनका इरादा है, ठीक है। तो वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उस मेरे इस पेज को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।